This video has been sponsored by BB Consultancy and Traders, who deal in sports products cheaper than market. Link below in description. Thank you. नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल राज शर्मा इंदौरी को, बेल आइकन दबाएं हमारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं आपका होस्ट यासिर शामी और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव, बल्कि आपका होस्ट अल्ट्रा लेजेंड यासिर शामी। आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव, बल्कि आपका होस्ट अल्ट्रा लेजेंड यासिर शामी। आपको पता है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने पहले मैच में इंडिया से इबरतनाक शिकस्त हासिल की, उसके बाद पे दर पे ऐसे मैचेस जीते कि चैंपियन ट्रॉफी का चैंपियन बनकर घर वापस आया। इस चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के चैंपियन बनने में किस शख्स का हाथ है, होश उड़ा देने वाले इंकशाफात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं द लेजेंड नुमान खान। इनसे पूछेंगे कि ये क्या समझते हैं, ये क्या इंकशाफात आज करना चाहते हैं पूरी कौम के सामने। जी नुमान, बताइएगा। ये जो मैच है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जीता गया, सिर्फ मेरी वजह। ये जो मैच है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से जीता गया, सिर्फ मेरी वजह से। फकीर ने मुझसे परमिशन ली थी और मुझे एक बार भी नहीं पूछा, मेरा एक दफा भी हाल नहीं पूछा मैच जीतने के पास। ये कैसे हो सकता? और आपने अपने आप को लेजेंड क्यों कहा बीच में? आपको पता है सिर्फ लेजेंड मैं हूँ, मैं नुमान खान दी लेजेंड, बस, और कोई लेजेंड नहीं हो सकता। मुझे तो सोच सोच के हो रहा है कि मैंने मेरी वजह से मैच जीता, वो सिर्फ मेरी वजह। मैच और ये जो है कह रहा है कि मैं जो है नुमान को भूल गया, क्यों ऐसा क्यों हुआ है? देखिए नुमान, मैंने अपने आप को अल्ट्रा लेजेंड कहा है, लेजेंड आप ही हैं। नहीं, आपने क्यों कहा है अल्ट्रा लेजेंड? क्यों कहा है? लेजेंड सिर्फ नुमान खड़ा, लेजेंड लेजेंड होता है, कोई अल्ट्रा शोल्ट। नुमान खड़ा लेजेंड लेजेंड होता है, कोई अल्ट्रा शोल्ट्रा नहीं होता। आई डोंट नो जी। ये हमारे साथ लंडे के लेजेंड मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि फखर के हवाले से आपने कहा कि उसने मैच जीता है आपकी वजह से, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी वजह से जीता है क्योंकि मैंने उनको बताया कि कैसे मैच खेलते हैं, कैसे बैटिंग करते, कैसे बॉलिंग करते, सब कुछ मैंने बताया उनको, कैसे स्ट्रोक्स मारते, कैसे क्या करते। लेकिन उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि नुमान आप कैसे हो। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है, लेकिन कहीं कोई मैसेज नहीं, व्हाट्सएप तक भी नहीं। आपने कैसे बताया? आप उनको तो नेट प्रैक्टिस करवा ही नहीं सकते, वो इंग्लैंड में हैं, आप पाकिस्तान में हैं। मैंने थ्रो स्काइप करवाया है उनको ये सब, मैंने थ्रो स्काइप करवाया है उनको ये सब कुछ, मैंने उनको सब कुछ बताया कैसे बैटिंग करते, कैसे बॉलिंग करते, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात, उन्होंने मुझे एक दफा पूछा तक भी नहीं कि नुमान अब आप कैसे हो। आप लेजेंड नुमान खान के इनका शफात सुन रहे हैं, इस वक्त हम उनके तारीखी बेड पर मौजूद हैं। आप मजीद क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी टीम के हवाले से और जीत के हवाले से, और मजीद इनका शफात आपकी मैदान में से सुनना चाहती है पूरी आवाम, पूरी कौम सुनना चाहती है आपको? जी मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मैच है मुझे फखर पे बहुत ज्यादा फखर है फिर भी, लेकिन अगर उन्होंने मुझे कॉल नहीं भी की फिर भी मैं उनसे बहुत ज्यादा और पाकिस्तानी टीम से बहुत ज्यादा, क्रिकेट टीम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, क्योंकि मैं द लेजेंड नुमान खान और द लेजेंड नुमान खान का काम ही है सिर्फ अपनी पाकिस्तानी टीम से प्यार करना। मैं किसी और को सपोर्ट कर ही नहीं सकता कभी भी। नुमान, अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप रोते हैं तो आपकी शक्ल गली की नुक्कड़ जैसी हो जाती है, तो इस बारे में आपका क्या मौकिफ है? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कुछ ना कुछ तो कहे ना प्लीज। आई डोंट नो, आई थिंक आई एम सो ब्यूटीफुल। सब कुछ लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार हैं और मैं भी आपका बहुत बड़ा मदा हूँ, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जितने भी आजकल स्टार्स आप जितने भी देख लें, जो आजकल बॉलीवुड में भी जाके काम करके हैं, अपना नाम बनाकर आया है, वो सब किसकी बदौलत हुआ है? किसकी? नुमान खान दी लेजेंड की बदौलत। जितने भी आजकल स्टार्स आप जितने भी देख लें, जो आजकल बॉलीवुड में भी जाके काम करके अपना नाम बना कर आया है,
वो सब किसकी बदौलत हुआ है? किसकी? मानखान दी लेजेंड की बदौलत, सिर्फ मेरी वजह से हर कोई स्टार्स बना है। लेकिन आज आज किसी ने मुझे पूछा तक भी नहीं, मेरा हाल भी नहीं पूछा, मुझे व्हाट्सएप तक भी नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी जी देखिए मैं कितना ज्यादा वीक हो गया हूँ, इस वजह से मुझे इतना ज्यादा मेरे डार्क सर्कल्स पड़ गए। वो वीक तो आप किसी और वजह से हुए हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि सरफराज अहमद ने धोखा नहीं दिया, अनुष्का शर्मा से कोई बात हुई थी आपकी? जी बिल्कुल, अनुष्का शर्मा भी मेरे साथ पूरे 2 घंटे बात करती रही है ना, वो भी मुझे कहती रही है कि प्लीज मैं विराट कोहली से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, आप उसको सपोर्ट करो। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करूंगा हमेशा हमेशा, आई लव फखर जमान, आई लव पाकिस्तानी टीम। अच्छा नुमान सर, जब आप रोते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उदास बगला रो रहा है, तो इस बारे में? तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि मुझे पूछा ही नहीं ना फकर ने, तो मैं तो उदास होऊंगा, मैं तो रोऊंगा ही ना, मैं और क्या कर सकता हूँ। अच्छा, विराट कोहली के बारे में भी आपने बड़े इंकशाफात किए थे, तो विराट कोहली से बात हो चुकी आपकी? हाँ बिल्कुल, विराट ने ही तो मुझसे परमिशन ली थी इस चीज की, मैच खेलने की। मैंने उनको कहा था अगर मैं उनसे बात नहीं करूंगा तो वो जो है मैच कभी नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने उनको हाँ कर दी अपनी फ्रेंडशिप की, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान से उसी वक्त पाकिस्तान से मैच खेला। जी ये हमारे दरमियान नुमान खान साहब मौजूद थे जो कि हैरत अंगेज इंकशाफात कर रहे थे। बच्चे छिले के बच्चे की धुन्नी जैसा इनका मुंह है, के बच्चे की धुन्नी जैसा इनका मुंह है। और उम्मीद करता हूं आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। अपने होस्ट यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। अल्लाह हाफिज। هلا اجى الزعيم العظيم على ديب بابا فقار.